हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। मैं ज्योतिर्मन राजपूत एक और वीडियो के साथ आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अपनी इन्वायरमेंट को सेव करना। आज आप देखेंगे बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं इलेक्ट्रिक कार्स ला रही हैं, अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ा रही हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? इन्वायरमेंट को सेव करना, फ्यूल्स सेव करना। लेकिन क्या ये सब करने से ही हमारा एनवायरनमेंट जो है ग्रीन हो जाएगा, एक बेटर हो जाएगा? क्या ये सब करना काफी है या कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान दे और काफी फर्क ले आए? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मैं बड़े टाइम से नोट कर रहा हूं, स्पेशली आज रेनी सीजन चल रहा है। अगर आप रोड्स की कंडीशन देखें हमारे, खड्डों से भरी हुई है, राइट? बारिश में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये सारे खड्डे क्या करते हैं? हम सिर्फ ट्रैफिक जाम देखते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो रोज लाखों लीटर फ्यूल जो है इन खड्डों की वजह से बर्न होता है और गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं और ये लाखों लीटर फ्यूल बर्न होता है। अब जो ये फ्यूल बर्न हो रहा है इसके क्या मायने हैं? पहली चीज, हम जो है इंडिया एज अ कंट्री हम फ्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि हमारी फॉरेन करेंसी जो है हमारे देश से बाहर जाती है, तो उसका तो नुकसान है ही। लेकिन अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट का भी कितना नुकसान है। अगर हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अच्छी रोड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दे तो एक नॉर्मल आइस इंजन भी जो है वो इन्वायरमेंट को उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना खड्डों में रह के वो इफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से ये ट्रांजिशन हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन तब तक अगर हम अपनी रोड्स को बेटर कर दें तो जो है एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन लेवल में जो है काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। अगर आप भी अपनी एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि अपना एक, आप अपने बच्चों के लिए एक बेटर इंडिया, एक अच्छा साफ सुथरी हवा वाला इंडिया छोड़ के जाएं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक चीज और बता दूं कि जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, राइट, जो इनका पोल्यूशन लेवल बहुत लो है, उन सब में एक चीज कॉमन पाएंगे कि उनकी रोड्स की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा, अवेयरनेस करिएगा इस वीडियो की, ताकि शायद क्या पता कोई इस वीडियो को समझ ले और कोई चेंज आ जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।